अभी हम लोग स्ट्रिंग का स्ट्रैंड स्ट्रिंग का वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में वेव है, जिस वजह से स्ट्रिंग ऐसा दिख रहा है। कुछ टाइम के बाद इसका शेप और चेंज हो जाएगा क्योंकि वेव प्रोपगेट करेगा। ज़रूरी नहीं है ये स्टैंडिंग वेव ही हो, ये ट्रैवलिंग वेव है, नॉर्मल कोई भी ट्रैवलिंग वेव, जिसकी वजह से स्ट्रिंग का शेप हमें ऐसा दिख रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस स्ट्रिंग का मास हम लोग एम मान लेते हैं और लेंथ एल मान लेते हैं। और मास पर यूनिट लेंथ म्यू मानते हैं, जो एम बाई एल के बराबर होगा। एम टोटल मास है और एल टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का। ये कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट एक्स है, और एक और पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। इस पॉइंट के बीच में ये जो स्ट्रिंग होगा इसका लेंथ डेल्टा एक्स होगा। तो इसे थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ये स्ट्रिंग ऐसा दिखेगा। अब ये पॉइंट, अब ये पॉइंट एक्स है और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे इसे ये एक्स है और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये पॉइंट एक्स हो गया और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो छोटा सा हम लोग पीस लिए है स्ट्रिंग का, वो स्ट्रिंग का ये सेंटर ऑफ मास होगा। उसी तरह ये जो पीस, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये इस टाइम पे इसका जो जो हाइट है, मतलब कि ये अपने जो नॉर्मल पोजीशन से वाई डिस्टेंस ऊपर है, ये मान के चलते ये अभी अपने नॉर्मल पोजीशन से ये वाई डिस्टेंस ऊपर है। फिर कुछ समय बाद ये वापस यहाँ आ जाएगा और अभी यहाँ है, और शायद कुछ टाइम के बाद ये और भी ऊपर चला जाए। अब ये जो छोटा सा पीस है, हम लोग ये पीस को बहुत छोटा मान रहे हैं, मतलब कि ये डेल्टा एक्स को हम लोग बहुत कम मान रहे हैं। अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है तो ये पीस अपने आप में, ये जो दिख रहा है इंक्लाइंड, बहुत इसका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये पीस इस तरह का दिख रहा है, तो अगर थीटा बहुत कम मानेंगे तो ये पीस लगभग इस तरह का दिखेगा, तो और छोटा मानेंगे तो और कम दिखेगा। तो ये जो ऐसा इंक्लाइंड दिख रहा है वो लगभग इस तरह का दिखेगा हमें, क्योंकि थीटा को हम लोग बहुत कम माने हैं। तो थीटा बहुत कम रहेगा तो एक्स डायरेक्शन में इसका लेंथ बहुत कम रहेगा, और एक्स डायरेक्शन में इसका लेंथ बहुत कम रहेगा, तो ये पीस हमें लगभग इस तरह का दिखेगा। और ऐसा होगा तो इसका जो टोटल लेंथ होगा, ये यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा, वो लेंथ डेल्टा एक्स लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का नहीं, वो इस तरह का होगा। तो ये लेंथ अपने आप में डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा पीस है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा? तो इसका मास मान लेते डेल्टा एम है, छोटा सा पीस है तो डेल्टा एम मास है। और ये जो डेल्टा एम मास है, वो मास किसके बराबर होगा? मास पर यूनिट लेंथ म्यू इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक यूनिट, अगर ये इस ये जो स्ट्रिंग का अगर एक मीटर या एक यूनिट लेंथ अगर हम लोग पीस लेंगे तो उसका मास म्यू है। तो डेल्टा एक्स पीस लिए तो इसका मास कितना होगा? म्यू इंटू डेल्टा एक्स। अब वेव इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग इसमें इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस स्ट्रिंग पे ये फोर्स लग रहा है डेल्टा एम जी, और यहाँ पर टेंशन लग रहा है टी, और यहाँ पर टेंशन लग रहा है। यूजुअली टेंशन दो पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों जगह टेंशन को सेम ही मान रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ये दोनों, ये डेल्टा एक्स अपने आप में बहुत कम होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने आप में लगभग बहुत क्लोज होगा। तो अगर दोनों अपने आप में बहुत क्लोज होगा तो वहाँ पर टेंशन ऑलमोस्ट इक्वल होगा।
और ये जो टेंशन है इसे हम लोग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। हम लोग केवल ये ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि स्ट्रिंग में हम लोग ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या कि वेव का डायरेक्शन अगर एक्स है तो जो जिस मीडियम में वेव बना है वो वेव का डायरेक्शन एक्स है, ठीक है। और ये वेव बना है किस मीडियम में, स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, मतलब कि ये स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि वाई, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग का ये जो पीस है ये वाई डायरेक्शन में अप और डाउन मूव करेगा और वेव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और ये दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग केवल ये जो पीस है ये वाई डायरेक्शन में अप डाउन मूव करेगा जिसके वजह से स्ट्रिंग का वेव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका केवल y डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसका y डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट। ये जो टेंशन है ये टेंशन का हम लोग y डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब कि टोटल y डायरेक्शन में कितना फोर्स रहेगा इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये मान लेते हैं, ये पहले तो एंगल ये थीटा मान लेते हैं और ये एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये y डायरेक्शन में ये जो फोर्स होगा ये t sin थीटा होगा और ये t sin थीटा होगा, सॉरी, और ये t sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। तो ये t sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये t sin थीटा और ये mg। तो टोटल जो y डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स जो y डायरेक्शन में होगा वो होगा माइनस, यहाँ पर ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है इसलिए माइनस टी साइन थीटा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। और नेगेटिव डायरेक्शन में ये एम जी लग रहा है तो ये माइनस एम जी हो जाएगा। और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो मास क्या होगा, डेल्टा एम, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इनटू वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होगा, वाई डबल डॉट मान लेते हैं, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इसके बराबर हो जाएगा। और जैसा कि ये थीटा अपने आप में बहुत कम होगा, थीटा अपने आप में बहुत कम क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि डेल्टा एक्स अपने आप में बहुत कम होगा, अगर डेल्टा एक्स बहुत कम होगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को कंसाइड करेगा, ऐसा होगा तो ये जो इंक्लिनेशन ऐसा दिख रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो ये जो थीटा है ये अपने आप में कम होते जाएगा, ये अपने आप में कम होते जाएगा, ये लाइन ये एरो इसके इसके साथ कंसाइड करने लगेगा और ये एरो इसके साथ कंसाइड करने लगेगा। तो ये अगर थीटा को हम लोग टेंस टू जीरो रखेंगे, मतलब थीटा को कम कर देंगे, सॉरी, तो क्या होगा, ये साइन थीटा मैथमेटिकली देखें तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो फाइनल जो आएगा वो हो जाएगा माइनस टी थीटा प्लस टी थीटा ये इंटू ये और फिर ये इंटू ये, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा थीटा माइनस एम जी, यहाँ पर सॉरी एम नहीं होगा, ये डेल्टा एम होगा, मिस्टेक हो गया, ये डेल्टा एम, क्योंकि ये डेल्टा एम ये मास है स्ट्रिंग का, यहाँ पर ये डेल्टा एम हम लिए थे, ये यहाँ पर वही डेल्टा एम होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस, सॉरी, ये एम जी, सॉरी, ये डेल्टा एम जी इक्वल टू डेल्टा एम वाई डबल डॉट। तो यहाँ पर ये हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से ये इक्वेशन लिखे हैं जिसमें थीटा को हम लोग बहुत कम माने हैं। अच्छा, तो
ये हम लोग ये माने हैं कि इसका मास मतलब इसका ये एक्स ये जो लेंथ है डेल्टा एक्स अपने आप में बहुत कम है, तो ये पीस को हम लोग जो काटे हैं जो दिख रहा है कि यहाँ पर पहला मतलब पहला पॉइंट लिए दूसरा पॉइंट लिए मतलब इस पीस को यहाँ और यहाँ से काटे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो डेल्टा एक्स है वो बहुत कम लिए है, तो ये लाइन ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेगा, तो ये पीस बहुत छोटा सा है, तो पीस बहुत छोटा सा है तो इसके वजह से मास भी बहुत कम होगा, और मास बहुत कम होगा तो ये जो टर्म है डेल्टा एम जी ये अपने आप में जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी मास कम है तो ये भी पॉइंट ये जीरो होना चाहिए, यहाँ भी मास बहुत कम है तो ये भी पॉइंट सॉरी यहाँ भी अगर मास बहुत कम है तो ये भी जीरो होना चाहिए, ऐसा होता, लेकिन ये वाई से मल्टीप्लाइड भी है, तो अगर मास बहुत कम होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा होगा, तो ये टर्म बहुत छोटा नहीं होगा जिसके वजह से इसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, तो इसे जीरो मानेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन होगा, और हाँ ये दोनों कट भी जाएगा तो ये दोनों कटेगा तो फाइनल इक्वेशन होगा डी इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वाई डबल डॉट, ये आ गया हम लोग के पास, और यहाँ पे ये यहाँ कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ पर डेल्टा नहीं छूट नहीं रहा, यहाँ पर जो डेल्टा एम है वो डेल्टा एम को हम लोग म्यू इंटू डेल्टा एक्स में लिख देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा एम को हटा के म्यू इंटू डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ म्यू इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू इंटू डेल्टा एक्स आ गया, और हमें ये पता है कि वाई डबल डॉट है, तो y डबल डॉट मतलब क्या होता है d2 y ओवर dt स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर y ये x के साथ चेंज हो रहा है, सॉरी यहाँ पर ये y टाइम के साथ चेंज हो रहा है और y x के साथ भी चेंज होगा, तो ये जो y है y डबल डॉट है सॉरी ये जो y डबल डॉट है वो केवल y इस केस में मतलब y डबल डॉट में y केवल टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और इसे और लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू बाई टी इंटू वाई डबल डॉट को डी सॉरी डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर सॉरी डेल टी स्क्वायर सॉरी डेल टी स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है, डबल डेरिवेटिव डिस्टेंस का जो डबल डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ये आ गया, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जगह चाहिए तो इसे मिटा देते हैं, ये मिटा दिए, और हम लोग यहाँ देख यहाँ पर ये डिस्टेंस जैसे कि देखे थे ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, तो उसी तरह ये डिस्टेंस भी ये डिस्टेंस हम लोग डेल्टा वाई मानेंगे, तो ये जो थीटा ये थीटा है तो ये डेल्टा एक्स ये सॉरी ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा, तो ये तो टैन थीटा किसके बराबर होगा डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, टैन थीटा हो जाएगा डी वाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि वाई यहाँ पर केवल एक्स के साथ चेंज होगा, ये दिखा रहा है यहाँ पर ये जो दिखा रहा है वो केवल एक्स के साथ वाई चेंज हो रहा है, और यहाँ पर दिखाया था वो टाइम के साथ है, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये थीटा है, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टैन थीटा किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, दोनों साइड हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और हम लोग ये डेरिवेटिव दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर ये डेरिवेटिव लेंगे ये एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा डी टू वाई ओवर सॉरी डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर,
तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इसका सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर थीटा को जब एक्स में लिए तो ये हो जाएगा ये डी थीटा ओवर डी एक्स हो जाएगा, जो इसके बराबर होगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा, हाँ, क्योंकि थीटा अपने आप में बहुत कम होगा, क्योंकि एक्स के कम होने की वजह से थीटा अपने आप में बहुत कम होगा, तो कॉस थीटा वन हो जाता है। अगर कॉस थीटा वन होगा तो जो सेक थीटा सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो भी वन ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन में बदल जाएगा। तो ये वन बदलेगा तो जो फाइनल इक्वेशन हम लोग के पास आएगा वो ये इक्वेशन होगा, फाइनल इक्वेशन होगा वो ये इक्वेशन होगा, वो फाइनल इक्वेशन ये इक्वेशन है, डी थीटा ओवर डी एक्स इक्वल टू डी टू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इससे पुट कर देंगे, ये जो डेल्टा है वो थीटा के कम होने की वजह से एक्स भी कम होगा, जिसके वजह से ये जो डेल्टा साइन है अपने आप के डी में बदल जाएगा। तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन, सॉरी ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर इसके जगह ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई टी इंटू डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो यही इक्वेशन वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग, ये वेव इक्वेशन है, स्ट्रिंग का वेव इक्वेशन। और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि y दो वेरिएबल है, जैसा कि हम लोग स्टैंडिंग वेव का वीडियो में भी देखे थे कि y टाइम और स्पेस का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ये इसकी स्पेस यानी x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है और यहाँ पर ये टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। और यहाँ पर ये जो म्यू बाई टी है वो एक्चुअली में वो स्पीड दिखाता है वेव का। तो ये जो म्यू बाई टी है वो वन बाई वी के बराबर होगा, मतलब कि ये जो म्यू बाई टी है इसको हटाएंगे यहाँ से, और ये म्यू बाई टी किसके बराबर है, वन ओवर वी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन में ऐसा ही होता है कि जो पैरामीटर है यहाँ पर वाई है, एक्चुअल स्पेशियल डिस्टेंस, वो वाई एक्स के साथ वेरी करेगा, इक्वल टू द स्पीड, वन बाई स्पीड ऑफ द वेव, जिस तरह का भी वेव होगा, इनटू जो वाई यानी वो पैरामीटर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो इस तरह का होगा। और यहाँ पर ये म्यू बाई टी किसके बराबर हो गया, वन बाई वी स्क्वायर के बराबर। और अगर यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर ये रूट में बदल जाएगा। तो ये वेव का स्पीड होगा जो मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा और टेंशन पर। अगर इसको रिसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर ये वी आ जाएगा टी बाई मी स्क्वायर। तो टेंशन जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रिंग को जितना टाइट पकड़ेंगे उतना ज़्यादा वेव का स्पीड होगा, और जितना धीमा पकड़ेंगे उतना कम होगा स्पीड। उसी तरह मास पर यूनिट यानी स्ट्रिंग जितना मोटा होगा वेव का स्पीड उतना ही कम होगा, स्ट्रिंग जितना पतला होगा वेव का इक्वेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये एक तरह का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने का अपना तरीका है, बट अगर हम लोग इंट्यूशन लगाएंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ये कोई भी फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कोई भी फंक्शन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इस तरह से कि इस ये जो फंक्शन होगा वो होगा x प्लस माइनस v इंटू t होना चाहिए, यानी कोई भी फंक्शन हो जो x प्लस माइनस वी टी का फंक्शन होगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि e के पावर x प्लस माइनस वी टी भी इससे सेटिस्फाई करेगा, उसी तरह x
प्लस माइनस vt अपने आप में एक फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह साइन x प्लस माइनस vt भी इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग वो सॉल्यूशन लेते हैं जो नेचर में हमें आसानी से दिखता है, जैसे कि स्ट्रिंग वेव में हमें वेव का जो शेप है वो साइन का फंक्शन दिखाता। तो इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली ये सारा सॉल्यूशन है, लेकिन फिजिकली या फिर नेचर में हमें केवल साइन या फिर कॉस यानी साइनसॉइडल हमें साइनसॉइडल का सॉल्यूशन लेके ही हमें ये स्ट्रिंग का वेव को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। और इस एक सॉल्यूशन को लेंगे तो मैथमेटिकली हमें कोई भी मतलब मैथमेटिकली ये सेटिस्फाई तो करेगा, लेकिन फिजिकली या फिर रियल लाइफ में हम इससे कुछ ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। और हम लोग जो स्ट्रिंग का जो वेव जो लिखे थे स्टैंडिंग वेव में कि स्ट्रिंग का वेव ऐसा होगा, तो वो हम लोग वेव इक्वेशन जो बोले थे कि एक वेव को हम लोग किसी भी एक वेव को हम लोग इक्वेशन से डिराइव करते हैं सॉरी डिस्क्राइब करते हैं, तो वो इक्वेशन क्या था y जो क्या था x और टाइम का फंक्शन था। y ये x और टाइम का फंक्शन होगा जो किसके बराबर होगा a साइन kx माइनस ओमेगा t। यहाँ माइनस प्लस है, वहाँ पर हम लोग माइनस था क्योंकि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा था। साइन kx माइनस ओमेगा टी, अच्छा यहाँ पर तो एक्स प्लस माइनस वी टी है, तो यहाँ प्लस और माइनस तो हो सकता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। और ए यहाँ पर अपने आप में हाइट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रिंग लिए थे अभी पहले, उस स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम हाइट है ये मान के चल रहे थे कि वो वन है। तो ये इस तरह का होगा। अगर यहाँ पर हम लोग के को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट वन है, तो अगर के को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a साइन k को कॉमन लिए तो x माइनस ओमेगा बाई k इंटू t हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओमेगा बाई k अपने आप में क्या होना चाहिए, v के बराबर होना चाहिए। तो ये ओमेगा बाई k किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को मतलब सिमिलर होगा। तो ओमेगा बाई k v के बराबर है। और यहाँ से हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ओमेगा और के होता क्या है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये कि एक जो स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है कितना एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये एक ऑसिलेशन कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वापस यहाँ आया, तो ये एक ऑसिलेशन। तो इसमें यहाँ से यहाँ वेव को पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उसे बोलेंगे उसका टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में ये वेव जहाँ तक पहुँचेगा वो हो जाएगा उसका, वो रिलेटेड होगा फ्रीक्वेंसीज है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अपने आप में वन बाई टाइम पीरियड के बराबर होता है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि एंगुलर यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ओमेगा है ठीक है, तो ये एंगुलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन के अंदर है, और साइन के अंदर अगर वैल्यू 1, 2, 3 डालेंगे तो वो एंगल मतलब कि वो साइन के अंदर अगर 1, 2, 3 वैल्यू डालेंगे तो वो नंबर अपने आप में बहुत अजीब आएगा। तो इसलिए हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी लेते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी लेंगे तो वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, वो रेडियन में बदल जाएगा। अगर फ्रिक्वेंसी अगर 1 है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π इंटू एफ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 2πf लेते हैं, और 2πf लेने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर 2π के फॉर्म में कोई भी नंबर आता है जिसके वजह से साइन के अंदर वैल्यू पुट करके वो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह k क्या है, k को वेव नंबर बोलते हैं, k है वेव नंबर। वेव नंबर है, तो वेव नंबर क्या होगा, 2π/λ के बराबर होता है। यहाँ भी हम लोग पाई के फॉर्म में लिखे, यहाँ डायरेक्ट लेमडा लिख सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे तो उसी तरह लेमडा का वैल्यू कुछ भी डेसिमल आ सकता है जिसके वजह से साइन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा,
इसलिए 2 पाई के फॉर्म में लिखे हैं। और हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देखें ओमेगा बाई के वी के बराबर है, तो ओमेगा बाई के वी के बराबर होना चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई एफ, और यहाँ पर के क्या है 2 पाई बाई लेमडा, तो यहाँ 2 पाई कट गया, तो ये ओमेगा बाई के किसके बराबर हो गया, एफ इंटू लेमडा के बराबर हो गया, जो हमें पता है कि एफ इंटू लेमडा किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ दैट वेव के बराबर होता है, जिस वेव का ये फ्रीक्वेंसी और ये एम ये वेवलेंथ होगा।